दोस्तों ईगल को आसमान का राजा भी कहा जाता है। इसकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि कोई भी शिकार इसकी तेज नजरों से बच नहीं सकता और इसकी हमला करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि शिकार को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में ईगल की लड़ाई खूंखार पक्षी गिद्ध यानी वल्चर से हो जाए तो इनमें से जीत किसकी होगी, क्योंकि ये दोनों पक्षी आसमान के सबसे खतरनाक और जानलेवा शिकारियों में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ईगल एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेजी और अचानक से किए गए हमले के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह अपने वजन से 5 गुना ज्यादा वजन के शिकार को लेकर हवा में उड़ सकता है। और अगर बात की जाए गिद्ध यानी बल्चर की तो इसका आकार ईगल के मुकाबले काफी बड़ा होता है, लेकिन इनकी चोंच और पंजे ईगल के मुकाबले काफी कमजोर होते हैं और ये हमेशा मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जबकि ईगल अपने दम पर खुद ही शिकार करता है। और अगर ईगल और गिद्ध की लड़ाई होती है तो अपने मजबूत चोंच और खतरनाक पंजों की वजह से जीत ईगल की ही होगी। वैसे आपको क्या लगता है कॉमेंट में बताना ना भूले।